वाह, सुनील जी की मस्ती कभी भी उनसे अलग नहीं होने वाली है, मगर उनका रिस्पेक्टेड अंदाज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां वो मनोज बाजपेयी के पैर छूने के साथ नारियल को फोड़ रहे हैं। जिसे देखकर मनोज बाजपेयी थोड़े भावुक हो गए और ये वीडियो हर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। असल में यहाँ एक्टिंग ड्रामा के इवेंट में ये स्टार्स पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपनी ओल्ड मेमोरीज हमारे साथ शेयर की और सुनील ने तो यहाँ मनोज बाजपेयी की तारीफ में मनोज चालीसा ही सुना दी। इनके जैसा और ना कोई एक्टर अरे सुनील जी, हनुमान से डरिए थोड़ा बहुत, ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे आप भी किस सोच में पड़ गए, ऐसा मत सोचिए, हम भी मजाक ही कर रहे हैं। सुनील ने यहाँ मनोज की तारीफ की। इनका फैन रहा हूँ बैंडेड क्वीन के दिनों से और इंटरनेशनल एक्टर एक ही है इंडिया में, वो मनोज। इंटरनेशनल का मतलब जैसे ओलंपिक होते हैं ना, वैसे अगर एक्टरों के ओलंपिक हो तो स्वर्ण पदक हमारे पास है। और काफ़ी अरसे से कुछ अरसे से काम कर रहे हैं मनोज से, तो हम लोग देख रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं ऐसे युग में पैदा हुआ जहाँ पे जैसे एक्टर है देखने का सौभाग्य मिलता है। ऑफ कोर्स सच एन इंस्पिरेशन, जिस तरीके से इनकी ह्यूमिलिटी है उसके साथ साथ जो क्राफ्ट है, जो काम है वो अमेजिंग है। अब तो अमेजोन पे आ रहे ना आजकल, आप इंग्लिश में बातें करते हैं सिर्फ तो जब भी मैं सड़क पे जाता हूँ मुझे पोस्टर दिखता है द फैमिली का, मैं इतना प्राउड महसूस करता हूँ, मुझे गर्व होता है ये देख के कि एक इतने द मोस्ट डिजर्विंग मैन इन इंडिया इज राइट देयर। वक्त लगता है कई बार चीज़ों को वहाँ तक पहुँचने में। मैं मुकेश भाई से भी कल यही बात कर रहा हूँ कि लेकिन बहुत खूबसूरत वक्त है और आप भी देखिए फैमिली मैन, मैंने भी कुछ एपिसोड देखे, आज पूरी करूँगा। और अभूतपूर्व काम किया मनोज जी आपने, थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग, थैंक यू। वही मनोज ने भी बताया कि कितनी बार रिजेक्ट होने के बाद उन्हें हाथ सक्सेस लगी। ये कहते हैं कि मुझे आज भी मलाल है, नहीं मुझे बहुत फख्र है। मुझे फख्र इस बात का है कि नेशनल स्कूल ड्रामा में रिजेक्ट होने के कारण मैंने मेहनत कुछ ज्यादा ही की, इसके कारण बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, क्योंकि हर साल रिजेक्ट होता था, हर साल मैं मेहनत ज्यादा करता था कि अगले साल हो जाएगा, इसी चक्कर में जो है ठीक ठाक सा एक्टर बन गया। उसके बाद जब नेशनल स्कूल ड्रामा आपको बुला करके सम्मान देता है तो नेशनल स्कूल ड्रामा के प्रति मेरी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। यकीन मानिए कि यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मैं नहीं जाने का मलाल उस समय था, अब जो है खुशी होती है कि नेशनल स्कूल ड्रामा मुझे अपना मानता है। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे फिल्मी करियर को शुरुआत करने के लिए। मैं पहला एक्टर था जिसको ये लेके गए थे बैंडेड फिल्म में कास्टिंग, ये कास्टिंग डायरेक्टर हिंदुस्तान का पहला कास्टिंग डायरेक्टर तिमाशु धुलिया था। सारे के सारे बैंडेड फिल्म में जितने भी कलाकार जो लिए गए थे इनकी बदौलत लिए गए थे, लेकिन मैं पहला कलाकार था। ये अलग बात है कि बाद में मुझे उस रोल से हटा दिया गया, क्योंकि इतना सुंदर दिखने वाला हमारा स्वर्गीय नीलोल पांडे सामने आ गया था शेखर जी के सामने, मैं समझ चुका था कि मेरा रोल गया क्योंकि इतना सुंदर दिखता था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन बाद में फिर मुझे मानसिंह का रोल मिला था। इसके लिए मैं चाहे 50 बार इंटरव्यूज में नहीं बोलूँ लेकिन मैं दिल से हमेशा शुक्रिया कहता हूँ इस आदमी, इस आदमी ने बहुत साथ दिया। बट जो भी हो, एक्टर्स के दिलों में एक दूसरे के लिए हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए और हमेशा नया सीखने की चाहत भी होनी चाहिए। जाते जाते फिर एक बार देखिए सुनील की नौटंकी। कोशिश करता है
ऐसी कुछ मजेदार खबरों के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले।